ब्रह्मा जी का तप किया तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा उसने। वरदान कितना कठिन मांगा, ना नीचे मरू ना ऊपर मरू, ना दिन में मरू ना रात में मरू, ना भीतर मरू ना बाहर मरू, ना एक रूप से मरू, ना तीर से मरू ना तलवार से मरू, ना 12 महीना में मरू। कितने वरदान मांगे, माने अपने जानता है मैं जी सोची का मैंने मरवे को जगह ही ना छोड़ी। और जब सब तरफ से मजबूत हो गया था और तब बहुत ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़ा, पर्वत की चोटी पर चढ़ा और करता क्या था, अरे ललकार विष्णु कुमारी संजय सिंह ड्राइवर साहब हरनामपुर से, ये 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे चलाता रहे। राजन परीक्षित हिरण्यकश्यप आज विष्णु को ललकार मार रहा है, अब मिले कौन। नारद जी से भेंट हुई, नारद जी ने की कहो महाराज कैसी बेचैन हो, कि बेचैन का नारद मेरे भैया को मारा था हरि ने विष्णु ने और मैं उसी को ढूंढ रहा हूं, मैं अपने भाई का बदला पटाऊंगा। तो नारद बोले कि तो तुम विष्णु में ढूंढ रहे हो क्या, हां क्या भाई तुम्हें ऐसे कहां मिल जाएंगे, तो अकल हम बताएंगे। नारद जी नास की नीम जमा रहे हैं, ऐसे ना मिलेंगे तो हम अकल बता रहे हैं कि विष्णु को द्व महकमा ज्यादा प्यारे हैं, एक तो लाल कपड़न भाई महात्मा और एक ब्राह्मण, इन द्वैन ते ही प्रेम तत्व है। तो तुम ऐसा करो इन द्वैन पर डंडा कर रो कर दो सो आ जाओ पे आप, नास की नींद जमा दी। तो उस पापी हिरण्यकश्यप ने आज संतों से कहा माला फेरोगे नहीं, राम का नाम लोगे नहीं, भजन नहीं करोगे, ब्राह्मणों से कह दिया हवन करोगे नहीं, यज्ञ करोगे नहीं, कथा पढ़ोगे नहीं, पाबंदी लगा दी। इधर रानी कयाधु के जो पुत्र पैदा हुआ था उसी का नाम था प्रहलाद, और प्रहलाद जब 7 वर्ष के हुए, 7 वर्ष के, तो पढ़ने जाते थे बेटा सत्युग से लेके कलयुग तक, जी पढ़ाई की बात जरूर आते है बीच में, पढ़ने जाता था, सांडल गुरु पढ़ाते थे, तो सांडल गुरु पढ़ाते थे। So, एक बार पहला जी जब विद्यालय को निकल के जा रहे थे तो एक दरवाजे पर एक बुढ़िया रो रही थी और वह बुढ़िया के पास एक बिल्ली रो रही थी। पहला जी ने पूछा मैया ये बिल्ली क्यों रो रही है, तुम क्यों रो रही हो। बुढ़िया ने की बेटा जब बिल्ली के 4 बच्चा ₹100 सूबेदार सिंह हरनामपुर से और ₹100 रणवीर सिंह यादव हीरापुर से, ये हमारे बड़े भाई हैं धन्यवाद। अब क्या करो ये गांव को जाके बता, नहीं समझ आने में ही रहो। राजन परीक्षित बुढ़िया बता रही है कि बेटा मैं तो रो रही हूं कलंक को और जी बिल्ली रो रही है बच्चन को। देखिए यक्ष दुष्ट संवाद जब आया है महाभारत में वन परम में, तो यक्ष देवता ने पूछा था दुष्ट महाराज से कि काजल से ज्यादा काला क्या होता है और तिनका से ज्यादा कमजोर क्या होता है। तो दुष्ट ने जवाब दिया है कि काजल से ज्यादा कलंक होता है काला
और तिनका से भी कमजोर एक दुखी हुई आत्मा होती है, दुखी आत्मा तिनका से भी कमजोर होती है। तो बेटा जी बिल्ली तो रो रही है बच्चन को और मैं रो रही हूं कलंक। ए मैया फिर तुम जी भजन किनको कर रही हो? बेटा मैं भजन भगवान को कर रही हूं कि जब बिल्ली के बच्चा बच्चे का टुकड़िया पागल है गई हूं बताओ अत्याय अबा में जर रही है आगे और बिल्ली के बच्चा आप बता रहे हैं जामे? बेटा बाप बचाने वाले के हाथ बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे, मैं उसी का भजन कर रही हूं। तो मैया खोलो ही कब? लला कल खुले हो जाओ ठंडो है जाओ तब तो जब तक मैं ना आ जाऊं तो तक खोलियो मत। आज मैं ये देखना चाहता हूं कि जब अबा में इतनी बड़ी आग जल रही है जब बिल्ली का बच्चा कहां है अब? जब सवेरा हुआ है अबा ठंडा हो गया था तब पहला जी आए मैया अब खोलो खोलो। तो आज वो बुढ़िया अबा अबा को खोल रही है कि भजन भगवान को ही कर रही है अब भी। कैसे किया? अरे क्या हरि गुण गाई रही प्रभु के गुण गाई रही कुम्हारी खोलत जाती अबाकू हरि गुण गाई रही कुम्हारी खोलत जाती अबाकू हरि गुण गाई रही मैया खोलत जाती अबाकू गागरी पकड़ की करते लावे दूर जाई की खूब हलावे दूरी जाई की खूब हलावे के माटी हटाई रही माटी हटाई रही कुम्हारी खोलत जाती आवाज माटी हटाई रही कुम्हारी खोलत जाती आवाज को हरे पीटती जाती गेल में छाती ने कना बात मात पेयाती ने कना बात मात पेयाती रुधन मचाई रही रुधन मचाई रही मैया खोलत जाती आवाज़ रुधन मचाई परीक्षा जी एक एक बर्तन उठाती है और हर कागर को हला के देखते जाई में तो ना है। जब सब बर्तन उठ गए थे सब बर्तन करते उठ आए सब बर्तन करते उठ आए बच्चा नहीं बिल्ली के पाए बच्चा नहीं बिल्ली के तब पहला आदमी की कहो मैया कहां है जाम बिल्ली का बच्चा? बेटा पहलाद एक गागर और रह गई है जो अबा में उल्टी लगाई जाते हैं। बेटा बायो देख लेने फिर तो तुम कैसे हो गए वही आज अंतिम बर्तन को बुढ़िया उठाने जा रही है लेकिन भजन भगवान को ही कर रही है। हे प्रभु आज तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। उज्जा बात ध्यान तो सुन लियो भगवान मदद को तब आते है तब सब मददगार संग छोड़ जाते हैं कोई नहीं दिखाई देता। अच्छा बात सत्य है कि हम तुम पर बुलाते ही तब कोई नहीं दिखत है। आज अंतिम बर्तन पर हाथ रख रही है जैसे ही राम कहा है मौसे हुआ क्या? अरे प्रेम तेरा और भक्तन पेरे सच्चा और गाय
अवनीश आर्यन आर्यन सन ऑफ अवनीश 100 रुपए का पुरस्कार है व्यासपीठ के माध्यम से। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। खुशी के मारे तो अब तक तो हाथ जोड़ रही बुढ़िया मैया और अब हाथ जोड़े पहला ओ मैया। लेकिन बेमा देखियो पूछ लला अरे बात जी अब बतलाई दे सच्ची या एक बात समझ में नहीं आई कि जो सब बर्तन लाल निकले जे एक गागर कच्ची कैसे निकली है। न तो मैया मैंने कोई आवत देखो न मैंने कोई जामे थे जात देखो। जे बिल्ली के बच्चा बचाए किन्ने ताको नाम बता दे बस। नाम पूछ रहे हैं पहला जी और बुढ़िया मैया बता रही है कि बेटा नाम तो उसके इतने कि आकाश के तारे गिने जा सकते हैं लेकिन नाम नहीं गिने जा सकते। पर तू एक ही नाम ध्यान रखना। कौन सा? अरे मूरख जा को मरम न जानो और चतुरा पी गए छानी ऐसी रामा नाम रस खानी सोई। बेटा एक ही नाम ध्यान रखना राम। नाम तो बहुत हैं